हेलो फ्रेंड्स, एग्जिम एक्सपर्ट्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल प्रधान। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम नए वीडियोस पोस्ट करते हैं, जिससे हम नए एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स की जो मन की जो कन्फ्यूजन्स है, उनके जो प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं एक और प्रश्न का जवाब लेकर आया हूं। और वो प्रश्न है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूं और कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सो जब हम किसी से बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन उनके मन में यही आ जाता है कि सर मैं कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं। ठीक है, तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो हजारों लाखों प्रोडक्ट है कि जो अलग अलग देशों से एक्सपोर्ट होते हैं। उसी तरह से हमारे कंट्री से भी हजारों प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और हजारों प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते हैं। तो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, क्या मैं उसे एक्सपोर्ट कर सकता हूं कि नहीं। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स तीन कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डिवाइड किए हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जिसको कह ले फ्रीली एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और ये प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं फ्रीली एक्सपोर्टेबल या उसी तरह फ्रीली इंपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो फ्रीली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर, फ्रीली का मतलब क्या है, पैसे, फ्री का मतलब यहाँ पैसे से कोई रिलेशन या लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट परमिशंस की यहाँ पर बात आती है। सो पहली कैटेगरी आती है फ्रीली एक्सपोर्ट या फ्रीली एक्सपोर्टेबल या इंपोर्टेबल गुड्स। और आपको जान के खुशी होगी कि मोर देन 99.5% ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रीली एक्सपोर्टेबल या इंपोर्टेबल कैटेगरी में आते हैं। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं कि जैसे क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी कि आप उस गुड्स को इस क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इस अमाउंट से ज्यादा उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज वन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये भी हो सकता है कि आप इस गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अंडर लाइसेंस ही कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर गुड को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लगेगी, स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्पेशल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और कई केस में आपको किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो वो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो थोड़े समय पहले पीपी किट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, पीपीई किट्स वो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स में थे। तो उस पर गवर्नमेंट ने रूल लगाया था या बैन लगाया था कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो हो गया रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। और थर्ड जो कैटेगरी है उसको कहते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स के जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की परमिशन बिल्कुल नहीं देती, आप उस गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, न गवर्नमेंट की परमिशन के साथ न गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। तो अगर ऐसे किसी गुड्स की एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कई प्रकार के जंगली जानवर, जिंदा जानवर, लाइव एनिमल्स, बर्ड्स, या तो फिर जैसे चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, तो ये ऐसे या नार्कोटिक्स गुड्स, नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स, तो ये ऐसी सारी चीज है कि जिसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट आपको बिल्कुल नहीं देगी और इट इज प्रोहिबिटेड। और अगर आप ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट करते हुए या किसी दूसरे देश में भेजते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना
पड़ सकता है। ऑब्वियसली हर चीज में क्रिमिनल एक्ट या नॉन बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जरूरी नहीं है, कई केस में आपके ऊपर सिर्फ फाइन भी लग सकता है, बट कई गुड्स ऐसी है कि जिसको अगर आप एक्सपोर्ट करें विच आर प्रोहिबिटेड गुड्स तो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि अल्टीमेटली आपको जेल भी जाना पड़ सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए चूज करें, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए चूज करें, तो पहले उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे समझनी है, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, क्यों रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ये प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, ये सारी ट्रेनिंग हम हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोग्राम है उसके अंदर करवाते हैं। और जो बडिंग एक्सपोर्टर्स है, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको इन सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेटेड है, नॉट ओनली थियोरी विद प्रैक्टिकल इनकॉर्पोरेटेड है। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए या हमें ईमेल कीजिए या तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमारे साथ जुड़िए और इस देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।